अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली, रमज़ान बहुत 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 मुबारक आप सबको। जो लोग मेरे वीडियो पे नए आए हैं, जो लोग मेरे साथ हैं और जो मेरे साथ रहते हैं, उन सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। तो आज बन रहे हैं काबली चने, चने हैं, लहसुन प्याज का पेस्ट है, टमाटर, लहसुन प्याज का पेस्ट, दही, नमक, हरी मिर्ची, हरा धनिया और मसालों में हमारे पास हैं पिसी हुई मिर्ची, धनिया पिसा हुआ गर्म मसाला, हल्दी। प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक मैंने चॉप काट लिया है और इसको तेल में ब्राउन करेंगे। तेल में ब्राउन होने के बाद आप देखते रहें मैं रेसिपी कैसे बना रही हूँ। तो वो रमज़ान की सबको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हमें रमज़ानों में पूरे रोज़े रखने की, हमें पांचों वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए, रोज़े स्किप ना हो। और दूसरी चीज़, जो लोग तहज्जुद नहीं पढ़ पाते हैं या जिन लोगों से तहज्जुद की नमाज़ निकल जाती है, तो उन लोगों के लिए दिल से दुआ है कि अब तो रमज़ानों में अक्सर ऐसा होगा कि अक्सर तो सोया ही नहीं जाता है, लोग सोते ही नहीं हैं, सहरी करने के बाद ही सोते हैं फजर पढ़ के। तो इसमें हमें चांस मिल जाता है कि हम जब इशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं, तरावी पढ़ लेते हैं, तरावी के लिए भी दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक जिन लोगों की निकल जाती है, अल्लाह उन्हें तौफीक दे के वो सब हमारी बहनें तरावी पढ़ें। और तरावी के बाद ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी आँख लगा ली जाए ताकि हमें तहज्जुद मिल जाए। अल्लाह ताला हम सबको पूरे रमज़ान की तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, सेहत दे और रोज़ों में कामयाबी दे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वीडियो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह बन रही है, इसमें मुझे कुछ बताने की बात नहीं थी। आप लोगों ने देखा मैंने किस तरीके से चने बनाए, काबली चने बनाए। ये हम पूरी और पराठे के साथ सहरी में खा सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कुछ लग रहा है कि हमें कोई गोश्त नहीं खाना, कबाब नहीं खाने, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खानी, तो हम ये काबली चने बना सकते हैं। ये काबली चने बहुत मज़े के होते हैं। आप हल्के हल्के से फुलके बनाएं उसके साथ भी अच्छे लगेंगे, आप पूरी बनाएं उसके साथ भी अच्छे लगेंगे, आप पराठे बनाएं उसके साथ भी अच्छे लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कोई यूनिक नहीं है, कोई ख़ास नहीं है, मैंने कोई डिफरेंट नहीं किया, एक नॉर्मल सी ट्रिक है बस जो मैंने अपने स्टाइल में बनाई है और आप लोगों से शेयर की है। तो मैंने सोचा जी चले जी रमज़ानों की मुबारकबाद भी देंगे और सहरी की मुबारकबाद भी देंगे, तो वो मैंने दे दी। और सबसे अपील करती हूँ कि आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप सबकी दुआओं की मुझे भी ज़रूरत है, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आप सबकी सपोर्ट से मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी और मैं कहाँ तक कामयाब हो गई। $10 जमा करने के चक्कर में बड़े परेशान हैं, तो प्लीज़ गिव मी $10, जिसके पास है वो मुझे $10 दे दे ताकि मैं अपनी पिन मंगवा लूँ, पिन के लिए अप्लाई कर दूँ। और अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी दे और रमज़ानों के तो मज़े ही कुछ और है। आगे मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रमज़ानों की तो यहाँ हो गए हमारा ग्रेवी छोलों की तैयार, तो इतनी मतलब टेस्टी लग रही है और ये बनी भी बहुत मज़ेदार और टेस्टी थी, मज़ा आ गया था। हमने इसके साथ बनाए थे पूरियां और बहुत मज़े लेके हमने इसको खाया और इसके बाद गरम गरम चाय, ओ मज़ा आ गया आज की रेसिपी में। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर, और अगर कोई सर्चिंग में गलती से मेरे चैनल पर आ गया है तो बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके और आप लोग देख सकें कि मैं भी अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती हूँ। और आप लोगों की कमेंट्स की, आप लोगों की सपोर्ट की और आप लोगों जो थम्स अप करेंगे, जो कमेंट्स करेंगे, उससे जो मोटिवेशन मिलेगी उसका तो मज़ा ही कुछ और है। बनता है इतनी मेहनत के बाद तो एक कमेंट्स और मोटिवेशन। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।